मूव। जुनेद भाई बोल रहे हैं चलो आओ मैगी खाते हैं। एंड यहाँ पे मैगी कहाँ है जुनेद भाई? मैगी रोड कश्मीर का क्या यादें दिला रहा है देखे। और मैं किस चलती फिरती दुकान लग रही है मेरे को है भैया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सब ठीक होंगे। एंड आज देख लो कहाँ की शुरुआत हुई है। लुक एट दिस, आज मैं वादियों में उड़ रहा हूँ। भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, मैं माता चूलूं जो इसमें आया भाई। तो 200 ज़्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। तुमको भी आज तारुफ कराता हूँ जुनेद भाई, अल जुनेद 110। अभी तक लास्ट व्लॉग में भी मैंने जुनेद भाई का भी नहीं किया था और जुनेद भाई अपना व्लॉग बना रहे हैं फिलहाल अभी, तो जुनेद भाई को बनाने देते हैं। एंड आज मैंने काम का दो ही कॉलें की। मेरे साथ कौन था आज? मेरे साथ काम पे था अपना यार, नाम भूल गया मैं, क्या बोलते हैं वही, क्या हो गया मेरे दिमाग को, मेरी याददाश्त को। देखें आज कौन सी जगह पे आए हुए हैं, क्या बात है। तभी मैं सोचूं जुनेद भाई किधर रोज रोज पहाड़ों वाली जगह पे पहुंचे होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था यार इस लोकेशंस का। ऑसम लोकेशन है नो डाउट इसमें। अच्छा इसमें एंड काफी मजेदार लोकेशन है ये। देखें यार आप क्या व्यू आता है यहाँ से। जुनेद भाई ये पुरानी कश्मीर की रोड है ना, वो वाली वो याद आ रही, वो मोड़ कट रहे हैं जो पुराने कश्मीर की रोड, ये बाद में तो जब ये नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हुआ तो देन इसको वो बंद कर दिया, तो नेशनल हाईवे का तो ये है। एंड वो रहे जुनेद भाई। और गाइस आज मैंने कटिंग कराने भी जाना है क्योंकि होम मिनिस्टर साहब से परमिशन मिली हुई है कि आ जाना थोड़ी देर में। क्या कह रहे हो? वाइट एंगल किया हुआ है, हर बार होना गलती करूंगा। लास्ट टाइम भी आप जो बोल रहे थे ना कल आपको कमेंट में कि मैं किधर हूँ, वो उसी में था वाइट एंगल जिसमें नहीं था, तो कहाँ फिर अपलोड किया था मैंने। तो ये रहे जुनेद भाई अल जुनेद 110। एंड आज इनका ब्लॉग चढ़ जाएगा अल जुनेद 110 पे, और आज मैं इनसे डिस्क्रिप्शन में खुद डलवा लूंगा इनका चैनल, क्योंकि यार लास्ट टाइम भी नहीं डाल पाया मैं। आपका संडे को आएगा? आज नहीं आएगा 8:30 बजे? हाँ वो डेली आता है लेकिन वो ये वाला ब्लॉग, हाँ ये वाला संडे, अच्छा ये वाला संडे को आएगा। चलो जुनेद भाई का अल जुनेद 110 पे, लेकिन आज 8:30 बजे आने ही आने का। डेली जुनेद भाई 8:30 बजे डेली जुनेद भाई 8:30 बजे डाल देते हैं अपना ब्लॉग। एंड यार मज़ा आ गया व्यू का, दिन में जो गर्मी फील कर रहा था ना यहाँ आके कसम से यार। तभी मैं सोचूं जुनेद भाई डेली क्यों इधर पहुँच जाते हैं। सुकून है भाई, सुकून है यहाँ पे, सुकून है, सुकून है कसम से यार। तो गाइस ये रहे अपने इमरान भाई। इमरान भाई कुछ बोलना चाहोगे मेरे प्यारे छोटे से सब्सक्राइबर्स को? छोटे नहीं है सब्सक्राइबर छोटे, मतलब छोटे अमाउंट में। नहीं नहीं इंशाल्लाह आपको पता भी नहीं लगेगा कब अमाउंट इंक्रीज होगा, ये तो बस ऊपर वाले के हाथ में, आप बेफिक्र रहो। एंड अल जुनेद 110 भाई को बिल्कुल सपोर्ट करनी करनी है कंप्लीट यार, इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, मेरे को इस लाइन में डाला कसम से, मेरे को तो पता एक्स वाई जेड भी नहीं पता था इसका ABC। तो गाइस यार भाई का भी चैनल है जैसे मैंने बताया आपको, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। और इमरान भाई बताओ मुझे सुकून कैसा मिल रहा है यहाँ पे? यार कसम से मेरे को अब फील हो रहा है कि आप डेली इधर क्यों आते हो, बहुत ही मजा आया यार, अल्लाह की कसम बहुत मजा आया। गाइस वो चेक करो यार पीछे, चलो आ जाओ। सो फ्रेंड्स अब यहाँ से करेंगे मूव। जुनेद भाई बोल रहे हैं चलो आओ मैगी खाते हैं। एंड यहाँ पे मैगी कहाँ है जुनेद भाई? वो जो अंकल जो है गाइस मैं आपको बताऊंगा कसम से, अंकल ने चलती फिरती दुकान बनाई हुई है चार टायरों वाली, सही बात है किस्मत किसी की खराब नहीं होती, टाइम की रोटी मिल रही है तो मतलब किस्मत सही है, किस्मत सही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, बात की आपने कि तीन वक्त की जब ऊपर वाला रोटी दे रहा है तो किस्मत बिल्कुल सही है। अब यार ये होना कि सभी राजा हो भाई, बनो राजा, मेहनत करो, दिमाग लगाओ, पैसा भाई पैसा हर जगह, दिमाग लगाओ पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। और सभी बात है कि जब तीन वक्त की रोटी बहुत
तगड़ी बात समझने के लिए बहुत तगड़ी बात है उन लोगों के लिए जो हाय हाय करते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत तगड़ी बात जुनेद भाई आपने बोली है कि जब तीन वक्त की रोटी मिल रही है तो यार नो डाउट किस्मत फिर किस्मत है। देखो यार रहने के लिए घर दिया हुआ है, अगर अपनी लाइफ को कंपैरिजन उससे किया जाए ना जो आपसे लो है तब पता चलेगा तुम्हें लाइफ की क्या। एंड चले अब मैगी खाते हैं, जुनेद भाई वहाँ पे ऑफर कर रहे हैं मैगी, पहली बार जुनेद भाई के ब्लॉग में आया हूँ, मैगी स्पॉन्सर, मैगी स्पॉन्सर जुनेद भाई के ब्लॉग में पहली बार आया हूँ और आज चले पहले मैगी खाते हैं उसके बाद गपशप लगाते हैं। और क्या देखे मेरे पीछे ये भैया की चलती फिरती दुकान लग रही है मेरे को, है भैया वाके है पूरा सामान भैया ने अंदर पैक करके रखा हुआ है, फास्ट फूड के मोमोज भी रखे हुए भैया आपने, चलो भैया ने मोमोज भी रखे हुए हैं और ये देखें चलती फिरती दुकान, कहीं भी जाके खोल लो, कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्री की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, कोई परमिशन कुछ नहीं, जहाँ मानना उधर के कहीं भी जाके बैठ गए, नो डाउट यार अच्छी बात है, हार्डवर्क है, डेडिकेशन मिलती है ऐसी चीज़ों को देख के। एंड उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो मिले हैं काम नहीं करते, जो एक्सक्यूज़ निकालते हैं काम के काम नहीं किया जाता, ये देख लीजिए आप वाकई यार। तो गाइस जुनेद भाई ने मोमोज भी खिला दिए, मैगी भी खिला दी, कोक डाइट भी पिला दी, ये लो जी और हो गए हैं रेडी और अब निकल रहे हैं गाइस यहाँ से, काफ़ी कुछ खिला दिया जुनेद भाई ने और मिर्ची भी काफ़ी खिला दी, मोमोज भी मिर्ची थी और मैगी में भी मिर्ची थी, तो अब चल निकलते हैं वापस सिद्रा के लिए। सॉरी जुनेद भाई क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ बाल नहीं कटाए यार, एंड मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं होम मिनिस्टर साहब के साथ गया था एंड वहाँ पे उनका जो हेयर ड्रेसर था उसका जो था शिफ्ट कंप्लीट हो गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका कल का शेड्यूल फिक्स कर देते हैं, अभी जैसे ही मैं आया तो जुनेद भाई ने मुझे कहा कि भाई तेरे बाल नहीं कटे हुए क्या मसला है, एंड जुनेद भाई ब्लॉग हो गया अपलोड भाई अभी टाइम 8:30 हो गया। तो फ्रेंड्स अल जुनेद 110 जल्दी से सर्च इंजन को जल्दी सर्च इंजन पे टाइप करें अल ए एल जुनेद 110 एंड जुनेद भाई का चैनल आएगा और जल्दी से सारे ब्लॉग्स को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज यार, देख लो आज का ब्लॉग मेरा जुनेद भाई के साथ हुआ था एंड अब इंशाल्लाह रहमान जिंदगी रही तो डेली इवनिंग में मैं प्रॉमिस नहीं करता पर हाँ इवनिंग टाइम में जब भी मैं अप्रॉक्स 5 to 6 के बीच में फ्री हुआ अपने काम से तो जुनेद भाई से मीटअप करा करेंगे, क्योंकि नो डाउट बहुत ऑसम आपकी प्लेसेस है, सिलेक्टिव प्लेसेस है, बहुत क्या चूज की हुई थी आपने एंड मजा आया था और अब संडे को प्लान भी है जुनेद भाई के साथ मेरा, इंशाल्लाह जिंदगी रही मेरी तो संडे को डेफिनेटली जुनेद भाई के साथ जा रहा हूँ मैं एंड जुनेद भाई कह रहे हैं बताना नहीं तो वो तो बताना नहीं है, सस्पेंस रखना संडे तक का, संडे को सुबह पता चलेगा आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। चले भाई अब ये फैंस के लिए मेरा पहला ट्रिप होगा, जुनेद भाई के साथ भी पहला ट्रिप होगा और ऐसे भी आई थिंक मेरे कपल ऑफ ब्लॉग्स में किसमें ट्रिप नहीं है ना, ट्रिप कोई नहीं है मेरा सिर्फ ब्लॉगिंग का था, तो पहला होगा अब इंशाल्लाह, मैं एक्साइटेड भी बड़ा हूँ क्योंकि परमिशन भी ले ली होम मिनिस्टर साहब से मैंने, वही मेरा सिस्टम बच जाएगा अगर मैं उनकी बात मना करूंगा या उनकी बात को कोई डिनाई करूंगा या वो करूंगा एंड कटिंग भी मेरी वही करवा रहे हैं, अदरवाइज मैंने तो कब की होती, मैं कोई क्रेडिट नहीं हूँ कि यार फलाने सैलून में जाना है उसी से करवाना है और उन्होंने कहा है कि मेरे लिए। चलो अब जुनेद भाई के यहाँ से मैंने ले लिया अमूल कूल, अमूल दूध पीता है इंडिया तो अमूल ले लिया जुनेद भाई के यहाँ से और अब इसको ही बनाएंगे, इसको ही पियेंगे आज और ब्लॉग को करेंगे, ब्लॉग को करेंगे एंड फाइनली आ चुका हूँ घर पे एंड खाने में ले आया मैं गुलफाम भाई और उसे बिरयानी, चिकन बिरयानी और साथ में जुनेद भाई से लाया हूँ ड्यू और आज का ब्लॉग यहीं पे करूंगा एंड उम्मीद करूंगा मेरे आपका आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा एंड आज का ब्लॉग तो सरप्राइज था आपके लिए भी कि मॉर्निंग में मैंने कोई जियो की एक्टिविटी अपने काम की एक्टिविटी कुछ नहीं बताया, सीधा मैं शाम को काम से फारग होकर जुनेद भाई के पास चला गया एंड उन्होंने नो डाउट अच्छी प्लेस एक्सप्लोर करते हैं, सिलेक्टिव चॉइस है उनकी एंड सिलेक्टिव अच्छी जो भी प्लेस उन्होंने सेलेक्ट की हुई थी, डेफिनेट बहुत मजा आया वहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छा व्यू था, अच्छा एनवायरमेंट था वहाँ पे एंड काफ़ी अच्छा ब्लॉग बनाया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एंड उम्मीद करूँगा आपको भी पसंद आएगा और आप भी अपने फ्रेंड्स में अपने कलीग्स में मेरे चैनल को जुनेद भाई के जुनेद 110 को सपोर्ट करें, प्रमोट करें, आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए
ब्लॉग्स बनाते हैं। और अभी यार संडे को मेरा और जुनेते हैं जिंदगी रही, तो कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।